श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऑल ऑफ यू, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल के आर साहू क्लास। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हिंदी एक्सप्लेन करने वाली द लास्ट लेसन जो क्लास 12 है फ्लेमिंगो बुक्स का प्रोज सेक्शन का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसका हिंदी एक्सप्लेन करने के साथ ही इस वीडियो के अंतिम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए, आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर आज का हमारा टॉपिक है द लास्ट लेसन। इसको किसने लिखा है? तो अल्फोंस डाउडेट ने लिखा है, जो कि फ्रांस नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर रहे हैं, ठीक है ना। तो गाइस, द लास्ट लेसन फर्स्ट चैप्टर में ही दिया गया है, लेकिन इसका टाइटल है द लास्ट लेसन, ऐसा क्यों है, ठीक है। जब हम लोग स्टोरी करते जाएंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें मेन कैरेक्टर देख लेते हैं। तो मेन कैरेक्टर है फ्रांस और मिस्टर हैमल, जो कि मेन कैरेक्टर है इसमें का। और यह स्टोरी कब लिखा गया था? तो इस स्टोरी को जब फ्रांस और जर्मनी इन दोनों के बीच 1970-71 में जब वॉर चल रही थी, उस टाइम इस स्टोरी को लिखा गया था। और इसमें बताया गया था कि जब जर्मनी जो है फ्रांस पर जीत जाता है, इस युद्ध को जीत जाता है, तो एलसेस और लॉरेन ये दोनों जगह के जो स्कूल थे ना, वहाँ पर ये जर्मनी भाषा को लागू कर देता है। बर्लिन के द्वारा ऑर्डर आता है कि अब से यहाँ के जो स्कूल हैं एलसेस और लॉरेन के, यहाँ पर फ्रांस भाषा नहीं पढ़ाया जाएगा बल्कि जर्मन भाषा में चैप्टर्स को पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानी होगी इस चीज़ को, उनकी जो कंडीशन थी उसको इस चैप्टर में दिखाया गया है, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बुलेटिन बोर्ड, जो कि मैं बताऊंगी आप लोगों को। बुलेटिन बोर्ड जो टाउन हॉल में लगी हुई है फ्रांस के, उसके गांव के पास टाउन हॉल है वहाँ पर, जहाँ पर अच्छी बुरी जो न्यूज़ है वहीं से लोग प्राप्त करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही था। चलिए अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होता है? कि स्टार्टिंग होता है फ्रांस स्टूडेंट है जो कि अपने स्कूल के लिए आज लेट से निकलता है, ठीक है। और स्कूल जाते समय वो काफ़ी डरा हुआ रहता है, स्केयर, ठीक है। क्योंकि उसको पहले दिन मिस्टर हैमल के द्वारा, जो कि उसके टीचर हैं, उसके द्वारा उसे कहा गया था कि तुम कल पार्टिसिपल्स क्रिया विशेषार्थ तैयारी करके आना, ग्रामर रूल्स को तैयारी करके आना। लेकिन फ्रेंच जो है ना, एक ऐसे विद्यार्थी जो अपने लैंग्वेज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता और ना ही पढ़ाई पर रखता है, उसे यहाँ वहाँ घूमना ज़्यादा पसंद है। यहाँ वहाँ करने का मतलब है जैसे पक्षी के अंडे ढूंढने जाना या फिर सार पे फिसलना, ये उसको पसंद है। कहीं घूम रहने, यहाँ घूमना, ये सब उसको अच्छा लगता है। वो पढ़ाई में उतना इंटरेस्ट नहीं रखता है, ठीक है। तो जब वो फ्रांस जो है स्कूल के लिए निकलता है, तो वो काफ़ी लेट हो चुका होता है। थोड़ा आगे जाने के बाद वो देखता है कि पक्षी कैसे आसमान में फ्री तरीके से उड़ रहे हैं, उन पर किसी का भी पाबंदी नहीं है। जैसे थोड़ा सा और आगे जाता है तो वो क्या देखता है कि ग्राउंड में प्रुशियन सोल्जर्स वो परेड कर रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो इसको देख करके ना फ्रांस के, उसके मन में यह फीलिंग्स आता है, वो सोचता है काश समय यही रुक जाता तो आज मुझे स्कूल जाना ना पड़ता। लेकिन समय किसी के लिए कहाँ रुकता है ना। फिर वो थोड़ा सा और आगे जाता है, ठीक है। तो उसे टाउन हॉल मिलता है, टाउन हॉल जहाँ पर उसे गाँव वाले है ना काफ़ी इकट्ठा होते, काफ़ी वहाँ पर भीड़ होती है, ठीक है। तो उसे देख करके वो समझ नहीं पाता है कि आखिर में आज यहाँ पर क्या है इतना जो भीड़ है। टाउन हॉल में स्पेशल क्या चीज़ है? बुलेटिन बोर्ड, जो एग्ज़ाम में आपका आता है। व्हाट इज़ अ बुलेटिन बोर्ड? तो बुलेटिन बोर्ड क्या है? तो सूचना पटल है, जहाँ मतलब अभी तक दो साल के अंदर में जितनी भी अच्छी बुरी खबर आई है तो फ्रांस के गाँव वालों को वहीं से प्राप्त न्यूज़ हुई है। तो उसके बाद लेकिन फ्रांस को समझ नहीं आता कि आखिर कंडीशन वहाँ क्या चीज़ है जो लोग यहाँ पर इतना इकट्ठा हुए हैं। फिर वहाँ से वो जैसे उसको याद आता है कि मुझे स्कूल जाना है, तो वो थोड़ा सा और आगे जाता है और वहाँ से भागते हुए जाने का प्रयास करता है। तभी उसे दो लोग मिलते हैं, जो कि एक लोहार और एक चौकीदार, ठीक है। दोनों चिल्ला कर उसे कहते हैं कि नन्हे फ्रेंच, तुम स्कूल के लिए देर नहीं हुए हो, तुम आराम से जा सकते हो। लेकिन फ्रेंच, उसे लगता है कि ये लोग उसका मजाक उड़ा रहे, फनी मतलब मजाक उड़ा रहे, उसका मज़ा ले रहे हैं। और वो जो है ना आगे जब फिर से भागते हुए चला जाता है। फिर भागते भागते वह स्कूल के पास ही रुकता है और जोर जोर से अपने दोनों घुटनों को पकड़ कर झुक करके वह जोर जोर से क्या हाँफने लगता है, क्योंकि दौड़ते हुए वो आया होता है, ठीक है ना। अब क्या देखता है वो कि जो मिस्टर हैमल हैं, अभी तक वो क्लास में नहीं पहुंचे, अपने घर से गार्डन की ओर से स्कूल की ओर प्रवेश करने वाले हैं। तो वह स्कूल की तरफ अपना जाता है और खिड़कियों से देखता है, बाकी जो ग्राउंड है उसको देखता है कि कैसे आज संडे मॉर्निंग जैसे लग रही है। क्योंकि दूसरे दिन तो एकदम अनयूजुअल डे, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे संडे मॉर्निंग हो, संडे का दिन हो, जब बच्चे एकदम मतलब ऐसा लगता है संडे दिन के कोई
एकदम साफ, एकदम शोरगुल कुछ भी नहीं, वैसे आज का दिन लग रहा है। जबकि दूसरे दिन तो हमारे स्कूल के हर क्लास में बच्चे जो हैं अल्फ़ाबेट्स को रिपीट कर रहे होते हैं, डेस्क को पीट रहे होते हैं, फिर विंडो से आवाज़ आती रहती है, लेकिन ऐसा आज कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो जो फ्रेंच है ना उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अभी तक कि क्या हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद उसके जो ध्यान है वो मिस्टर हैमल पर जाता है, जो कि अपने आर्म पर आयरन रूल को पकड़ कर इधर उधर आयरन रूलर को पकड़ कर इधर उधर जो है आज घूम रहे हैं। और उसकी ध्यान जाती है उनके ड्रेस पर, जो कि आज बहुत स्पेशल जो क्लॉथ जो है मिस्टर हैमल पहने हुए हैं, जैसे कि तीन कोने वाले कैप, जैसे कि ग्रीन कलर की बहुत चमकदार बहुत ही अच्छी कोट है जो जिसमें कढ़ाई गढ़ा हुआ है, सिल्की शर्ट है और आयरन रूलर है उनके हाथ पे, मतलब बहुत ब्रांड, मतलब उनका जो फेवरेट ड्रेस था ना उसको पहने हुए हैं। फ्रांच जो है कहता है मिस्टर हैमल इस ड्रेस को तो खास दिन पर पहनते हैं, पता नहीं आज क्या खास दिन है कि मिस्टर हैमल इस तरह से कपड़े को पहने हुए हैं और इधर से उधर घूम रहे हैं। ठीक है, फिर वो क्लास के बारे में जाना चाह क्लास के अंदर जाना चाहता है फ्रांच, तभी जो है मिस्टर हैमल का पहले क्लास में एंट्री हो जाता है और वो चाहता है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मुझे थोड़ा सा पहले क्लास के अंदर आना था क्योंकि मिस्टर हैमल अभी जस्ट आए हैं। और आकर वो ये सोचता है जैसे सर पढ़ाते रहेंगे तो मैं चुपके से आकर के अपने डेस्क पर बैठ जाऊँगा, लेकिन चैप्टर स्टार्ट होने ही वाला होता है, मिस्टर जो है फ्रांच है वो आता है, तब जो मिस्टर हैमल है कहते हैं कि नन्हे फ्रेंड जल्दी आकर डेस्क पर बैठ जाओ, तुम्हारे आने से पहले ही हम क्लास स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, फिर मिस्टर हैमल है बहुत नर्वस होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, तो अपनी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। अभी तक तो किसी बच्चों को मतलब फ्रांच को उसे नहीं पता था कि ऐसे नर्वस क्यों हैं हम मिस्टर हैमल, तो वो अपने बातों को एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं कि वो इतना दुखी क्यों हैं। तो यहाँ पर मिस्टर हैमल बोलते हैं कि बर्लिन के द्वारा ऑर्डर आया है कि कल से आपके स्कूलों में जर्मन टीचर आ जाएंगे और आज आप लोगों का लास्ट लेसन है फ्रांच भाषा का, क्योंकि बर्लिन ने यह ऑर्डर किया कि अब एसएस और लॉरेन दोनों जगह के जो स्कूल्स हैं उसमें सिर्फ जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा और वहाँ पर फ्रांस भाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इतना सुनते ही जो फ्रांस है ना बहुत दुखी हो जाता है, क्यों, क्योंकि अभी तक अपने खुद का जो फ्रांस भाषा है ना उस लैंग्वेज है उसको अच्छे से सीख नहीं सका, कोई भी वो मतलब और किसी भी सब्जेक्ट्स का अच्छे ABCD भी नहीं पढ़ पाया, नहीं सीख पाया, तो उसे बहुत तकलीफ़ होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, मिस्टर हैमल है वो कहते हैं सभी बच्चों से, बच्चों अभी तक तुम लोगों ने अपना खुद का लैंग्वेज नहीं सीख पाया है, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मैं हूँ, हम लोगों में भी काफ़ी गलती है, कैसे में, क्योंकि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना कुछ पैसों के लिए मील में या फिर खेतों में काम करने के लिए तुम्हें ले जाते थे और स्वयं जाते थे जिससे उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल सके, तो वही मैं जब भी मेरा फिशिंग करने का मन होता था है ना तो मैं स्कूल से छुट्टी ले लेता था और तुम लोगों को छुट्टी दे देता था, इसके साथ ही मैं तुम लोगों से अपने गार्डन में पौधों को पानी देने के लिए कहता था। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी गलती है कि तुम लोग अपने खुद के अच्छे लैंग्वेज को अच्छे से नहीं सीख सके। ठीक है, इस तरह से मिस्टर हैमल है वो एक्सप्लेन करते हैं कि बहुत दुख की बात है कि कल से तुम सभी जर्मन भाषा में पढ़ोगे। यहीं पर मिस्टर हैमल एक चीज़ और बोलते हैं कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि दुनिया में अगर कोई सबसे बेस्ट साफ सुथरा अच्छा अगर कोई भाषा है तो फ्रांस भाषा है, जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है और तैयारी भी की जा सकती है, इसके अलावा दुनिया में और कोई सरल भाषा नहीं है, ये मिस्टर हैमल जी एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद वे पढ़ाते हैं अपना पार्टिसिपल्स को, जो पहले तैयारी करने के उन बच्चों को बोला गया था उनका कंप्लीट होता है, जैसे ही उनका ये वाला क्लास ख़त्म होता है पार्टिसिपल्स का, फिर अगला क्लास स्टार्ट होता है जिसमें राइटिंग स्किल्स होता है और कुछ ऐसे नोटबुक लाते हैं मिस्टर हैमल जो कि जिसमें ड्राइंग होता है और बच्चों को राइटिंग स्किल्स करना होता है, मतलब सेम कॉपी करना होता है। पार्टिसिपल्स के इन लोग का क्लास जैसे ही कंप्लीट होता है फिर इन लोग का अगला क्लास स्टार्ट होता है राइटिंग स्किल्स, जिसमें मिस्टर हैमल बहुत सारे नोटबुक लेकर आते हैं जो कि ड्राइंग होता है, इन लोगों को राइटिंग करना होता है, ड्राइंग करना होता है। ठीक है, सारे बच्चे बहुत खुशी खुशी राइटिंग वर्क को करते हैं और उनको काफ़ी मज़ा आता है क्योंकि आज का जो दिन है उनका उनके लिए एकदम यादगार है। फ्रांच कहता है पता नहीं क्यों आज मुझे हर एक एक वर्ड से याद हो रहे हैं, पहले तो ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था। तभी रूफ से कुछ कबूतर है ना उड़ते हुए आते हैं और गुटरगू करने लगते हैं, तो जो फ्रांच है वो क्या कहता है
जो जर्मन टीचर आएंगे वो इन कबूतर पर भी पाबंदी लगाएंगे? क्या इनकी भी जो जो गुटरगू करते हैं, क्या उसको इनको कहा जाएगा कि अब से तुम गुटरगू भी जर्मन भाषा में करना? उसके मन में ये सवाल आता है। फिर वो सोचता है कि मिस्टर हैमल की उसकी जो सिस्टर है वो सामान को पैक कर रही होंगी, सूटकेस बांध रहेंगे, क्योंकि उनको निकलना है, क्योंकि कल जो है यहाँ जर्मन टीचर आ जाएंगे, है ना। और देखते हुए मिस्टर हैमल को देखते हुए वो बोलते हैं, सर जो है अपने लाइफ का 40 साल, है ना, इस जगह पे बिताए हैं, यहाँ हम सब से घुल मिल गए हैं और यहाँ पर उनकी यादें बस चुकी हैं, इन्होंने अपना अमूल्य जो टाइम था, है ना, बहुत ईमानदारी से यहाँ पर अपने समय को बिताए हैं, इनको कितना तकलीफ़ हो रहा होगा यहाँ से जाने के लिए। तभी फ्रांस जो है ना वो कहता है, तब भी हमारे गांव के लोग जो स्कूल के पीछे वरांदा है वहाँ आकर बैठे हुए हैं। तब उसको समझ में आता है कि पूरे गांव वाले जो है अपना आभार व्यक्त करने के लिए, रिस्पेक्ट देने के लिए पूरे वहाँ पर स्कूल में आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद जो चर्च की जो घड़ी है वो 12 जाती है और आवाज़ आती है, वैसे ही स्कूल को छुट्टी का भी टाइम हो जाता है और जो प्रूसियन सोल्जर्स है जो ग्राउंड पे परेड कर रहे थे उनके भी आने के समय हो जाता है, वो भी आ रहे होते हैं। तभी जो मिस्टर हैमल है कुछ ग्रीन बोर्ड पर लिखते हैं कि फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जिंदाबाद, एल्सस लॉरेन करके वो लिखते हैं और अपने जो पेन जो चौक होता है उसके जो सामने के साइड से तोड़ देते हैं और एकदम थम से वो चेयर पे बैठ जाते हैं और उनके मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकल पाता है, बस अपने हाथ के डायरेक्शन से वो बोलते हैं जाओ और छुट्टी का समय हो गया और आज का चैप्टर कंप्लीट। इस तरह से आज के दिन का जो चैप्टर था कंप्लीट, इस तरह से वो बस डायरेक्शन देते हैं कि आज का छुट्टी हो गया, जा सकते हो। तो बच्चे जो हैं वहाँ से निकल जाते हैं। तो गाइस यहीं पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब ये सुन लीजिए कि इसमें बताया क्या गया है। तो इसमें बताया गया है कि जब जर्मनी जो है फ्रांस पर जीतता है और एल्सस लॉरेन पर जो उनके भाषा को छीन लिया जाता है और उन पर जर्मनी भाषा थोप दिया जाता है कि तुम्हें जर्मनी भाषा पढ़ना पड़ेगा, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है उस लैंग्वेज को अपने आप में उसे लागू करने के लिए, क्योंकि उनको जर्मनी भाषा बिल्कुल भी नहीं आती है, ठीक है। उनको लगता है कि अब हम गुलाम हो चुके हैं, हमारे लैंग्वेज से लैंग्वेज हम खुद उनके गुलाम हो चुके हैं, अब उनके हिसाब से हमें हर चीज़ करना पड़ेगा, उनकी जो आज़ादी है वो छीन गई, ये वहाँ के लोगों को रियलाइज होता है, बहुत तकलीफ होता है। इसी चीज़ को इस चैप्टर में बताया गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा यह चैप्टर। अब बात करते हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बस क्वेश्चन को समझा रही हूँ ना, क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं, आंसर नहीं बता रही इस चैप्टर में, इस वीडियो में, क्योंकि ये जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिएगा तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस एक क्वेश्चन याद कीजिएगा। कैसे याद कीजिएगा? आप लोग शुरू से लास्ट तक जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको तैयारी कीजिएगा, एक पेज डेढ़ पेज में लिख लीजिएगा। जैसे कि फ्रेंच कैरेक्टर को, मिस्टर हैमल के कैरेक्टर को, बुलेटिन बोर्ड को, पार्टिसिपल्स क्या है इसको, और जस्टिफाई द टाइटल, इन 5 चीज़ को आप लोगों को अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करिएगा, बस एक ही क्वेश्चन तैयारी लीजिएगा और बोर्ड में क्या पूछेगा इसको भी सुन लीजिए। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 40 से 50 वर्ड्स में आपको लिखने के लिए बोलेगा, अगर 6 नंबर का आ गया तो आपको 80 से 90 वर्ड्स में लिखने के लिए बोलेगा, ज्यादा लिखने के लिए भी नहीं बोलता है। क्वेश्चन कैसे आ गया इसको भी सुन लीजिए। पूछेगा ड्रा अ स्केच बाय फ्रेंच कैरेक्टर, पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, या तो पूछेगा फ्रेंच कैरेक्टर लिखो, या तो बोलेगा मिस्टर हैमल कैरेक्टर लिखो, या तो बोलेगा फ्रेंच को वो क्या प्रिपेयर करने के लिए कहा गया था, तो पार्टिसिपल्स इसको पूछेगा, या तो पूछेगा व्हाट इज़ अ बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या है इसको पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट जितना चीज़ को मैं बोल रही हूँ। या तो आप लोगों से कहेगा कि आपको जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है द लास्ट लेसन टाइटल को, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी यहाँ से नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। फिर फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।